नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी दैट इज द पाइप जो कि हमारी आ, ये जो गन होती है बेसिकली इसके साथ होती है क्योंकि वॉशर तो आपका पड़ा रहता है साइड पे और इस पे पानी पड़ता है, तो है तो ये खराब होने के चांसेस रहता है तो ये साइड पे सूखी जगह पे रहता है बट पूरी गाड़ी को घुमाने के लिए अब आप इसको ऐसे वॉशर को तो साथ में लेके नहीं घूमोगे ना भाई इतना हैवी है ये ये तो एक ही जगह पड़ रहेगा तो हमारे पास यहाँ पे पाइप दे रखिये जो होज है वो दे रखी है एंड ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे आठ मीटर की होज जो है वो मिल जाती है सो आठ मीटर होस काफी ज्यादा लंबी रहती है ऑलमोस्ट तेईस चौबीस फुट का एरिया आप जो है वो यहाँ पे कवर कर पाते हैं इससे और पूरी गाड़ी अगर आप कर भी रहे हैं तो ये दूर भी पड़ा है तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पाइप इतनी ज्यादा लंबी यहाँ पे दे रखी है एंड काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर पाइप जो है वो हमें दे रखी है कि इस पाइप को कुछ भी होने वाला यहाँ पे नहीं है ओके दो हमें यहाँ पे कनेक्टर्स बेसिकली दिए गए हैं तो पाइप आपकी इसके अंदर जो जुड़ेगी वो आपकी इसके थ्रू जुड़ेगी एंड इसके अंदर फिल्टर दिया होता है जिसको आप खोल के साफ कर सकते हैं तो कई बार पाइप के अंदर काई जम जाती है कुछ हो जाता है तो वो यहाँ पे अटक जाएगी एंड इसको आपको क्लीन करते रहना है इस चीज़ को दिमाग में रखेगा एंड एक हमारे पास यहाँ पे कनेक्टर इस तरीके का मिल जाता है एंड जैसे मैंने आपको बोला कि आप फोम वॉश वगैरह के लिए जाते हैं तो साढ़े तीन सौ से पाँच सौ रुपये आपके यूजुअली फोम वॉश में लग जाते हैं सो यहाँ पे हमें फोम वॉश के लिए अलग से एक कैन भी दे रखा है सो so, आपको अलग से कैन परचेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजुअली आप अगर कैन खरीदने जाते हैं तो वो आपको सात सौ रुपए से लेकर अठारह सौ रुपए के बीच में पड़ता है जिससे आप अपनी फोम वॉश करते हैं तो यहाँ पे हमें कैन जो है वो भी साथ के साथ मिल जाता है एंड इससे आप प्रॉपरली अपनी जो फोम वॉश है वो यहाँ पे कर सकते हैं सो so, ये है कुछ अनबॉक्सिंग सिनेरियो एंड अनबॉक्सिंग में कुछ हमें ऐसा सामान मिलता है आप चलते हैं बाहर एक्चुअल किस तरीके से यूज होता है वो आपको दिखाता हूँ एंड कितना बढ़िया काम करता है सारी चीजें चेक करेंगे